हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल गुजरात। आज हम देखेंगे गुजरात के पाटनगर गांधीनगर का इंद्रोडा पार्क, जिसे इंद्रोडा नेचर पार्क भी कहा जाता है। गांधीनगर से बहती साबरमती नदी के किनारे 400 हेक्टर्स में फैला हुआ ये पार्क यानी इंद्रोडा नेचर पार्क, सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक ये पार्क लोगों के लिए खुला रहता है। इंद्रोडा पार्क का निर्माण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। इंद्रोडा पार्क का मैनेजमेंट गीर फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है, गीर यानी कि गुजरात इकोलॉजिकल एंड रिसर्च फाउंडेशन। इंद्रोडा पार्क को इंद्रोडा नेचर पार्क भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको इंडिया का जुरासिक पार्क कहा जाता है। ये एकमात्र भारत का म्यूजियम है जहाँ पे डायनासोर के सबसे ज्यादा जीवाश्म रखे गए हैं। इंद्रोडा पार्क में पार्किंग की सुविधा भी है, जहाँ पे 2 व्हीलर्स के 15 रुपीज, 3 व्हीलर्स के भी 15 रुपीज, 4 व्हीलर्स के 30 रुपीज, हेवी व्हीकल्स एजुकेशनल पर्पस के लिए 90 रुपीज और हेवी व्हीकल नॉन एजुकेशनल पर्पस के लिए 120 रुपीज। पार्किंग एरिया के सामने टिकट विंडो है, 5 साल तक की उम्र के लिए फ्री एंट्री है, 5 से 12 साल की उम्र के लिए 15 रुपीज, 12 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 30 रुपीज, स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स टीचर्स जो एजुकेशनल पर्पस से आए हैं उनके लिए 8 रुपीज। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सफर। आज इस पार्ट में हम देखेंगे डायनासोर फॉसिल और भूमंडल विभाग। इंद्रोडा डायनासोर एंड फॉसिल पार्क एक मानव निर्मित फॉसिल पार्क है, यानी यहाँ पे डायनासोर के अश्म मिले नहीं थे, गुजरात में अन्य जगह पर मिले थे, लेकिन अश्मियों को यहाँ पे लाया गया है और म्यूजियम में रखा गया है, जिसे लोग देख सके और नजदीक से उनका अनुभव कर सके। इस पार्क में वनस्पति, समुद्र जीवी और खास करके डायनासोर के जीवाश्मी है। डायनासोर पार्क का उद्घाटन गुजरात के माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के वरद हस्तक से 5 जून 2002 में विश्व पर्यावरण दिन के शुभ अवसर पर किया गया था। इस पिक्चर में अच्छे से समझाया गया है कि किस तरह से रेप्टाइल यानी कि सरीसृप जीवों की उत्पत्ति हुई, उसमें से डायनासोर की उत्क्रांति हुई और किस तरह से वे खत्म हो गए। बात करते हैं क्रिटेशियस काल की। क्रिटेशियस काल में टायरानोसोरस रेक्स और स्टेगोसोरस जैसे इत्यादि महाकाय मांसाहार और तृणाहार डायनासोर्स हुए। क्रिटेशियस काल में समुद्र सपाटी ऊपर आ गई थी, जमीन को जंगलों ने घेरा हुआ था। क्रिटेशियस काल के अंत में जलवायु में परिवर्तन आया और समुद्र सूखने लगे और समुद्र पानी नीचे जाने लगा। अतिरिक्त ज्वालामुखी प्रस्फुटन हुए। पेंजिया महाखंड, लोरेशिया और गोंडवाना ऐसे 2 अलग-अलग भाग में बंट चुका था। गुजरात के अलग अलग जगहों से पाए गए डायनासोर के जीवाश्मी इस म्यूजियम में रखे गए हैं। एलोसोरस। एलोसोरस अंतिम जुरासिक काल में तकरीबन 15 से 14 करोड़ वर्ष पूर्व अस्तित्व में थे। उसकी लंबाई 40 फुट और ऊंचाई 10 फुट थी। 4 से 5 टन वजन था। वे इतने बड़े थे कि वो स्टेगोसोरस और इग्वानाडोन का भी शिकार करते थे। एलोसोरस 2 पैरों वाले थेरोपोड डायनासोर है। एलोसोरस ज्यादातर एक ग्रुप में शिकार करते थे। वे शिकार को गहरा घाव देकर छुप जाते थे और उसके मरने का इंतजार करते थे। एलोसोरस का सबसे ज्यादा शिकार रहा है स्टेगोसोरस। अब बात करते हैं स्टेगोसोरस की। स्टेगोसोरस तृणभक्षी डायनासोर थे। ज्यादातर स्टेगोसोरस अपने समकालीन महाकाय मांसभक्षी डायनासोर के शिकार बनते थे। इनके जीवाश्मी उत्तर अमेरिका के उटा, वायोमिंग, कोलोराडो में, पश्चिम यूरोप, दक्षिण भारत, चीन, अफ्रीका से पाए गए हैं। अब चलते हैं म्यूजियम की ओर, जहाँ पे डायनासोर के अंडे, हड्डियाँ और उस समय के समुद्र जीवी प्राणियों, जीव जंतुओं के जीवाश्म रखे गए हैं। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के साइंटिस्ट रॉय शेपमैन एंड्यूज के साथ पूरी टीम ने 1920 में सबसे पहले मंगोलिया और गोबी के रण में डायनासोर के अंडे और उसके घोंसले को खोज निकाला और पूरे विश्व को डायनासोर के बारे में जानकारी दी। गुजरात के खेड़ा जिले का बालासिनोर विश्व भर में डायनासोर के अंडे और उसके घोंसलों के लिए मशहूर हो गया है। इसमें से कई अंडे बालासिनोर के और कुछ अंडे जालोद से हैं। ये जीवाश्मी थेरोपोड डायनासोर के हैं। विज्ञान जगत में सबसे पहले डायनासोर की जानकारी उपलब्ध हुई हो तो वे है मेगालोसोरस नामक थेरोपोड डायनासोर की। थेरोपोड डायनासोर मध्य युग जीवी के मांसाहार वर्ग के प्राणी थे। वो अपने शिकार को सीधा निगल जाते थे। टायरेनोसोरस इसी वर्ग का प्राणी है। ये है सॉरोपोड प्राणी वर्ग के जीवाश्मी, जो तृणभक्षी डायनासोर थे।
ये है दरियाई पृष्ठवंशी और अपृष्ठवंशी के जीवावशेष जो मध्य जीव युग के जुरासिक काल में पाए गए हैं। डायनासोर के पैरों के निशान। जब ये महाकाय डायनासोर कीचड़ जैसे जमीन पर चलते थे तो उनके पद चिन्ह यानी कि निशान रह जाते थे और वह क्रमशः सूख कर खड़क बन जाते थे। ये पद चिन्ह सोरोपोड डायनासोर के हैं जो गुजरात के कच्छ जिले के फतेहगढ़ के नजदीक से मिले हैं। डायनासोर के साथ मध्ययुग समय काल के वनस्पति जीवावशेष भी बहुत मिले हैं। ये वनस्पति का अवशेष तकरीबन 19.5 करोड़ वर्ष पूर्व का है जो गुजरात के कच्छ जिले के भूज से मिला है। इसको छूने से ये पत्थर ही लगता है क्योंकि इतने साल जमीन के अंदर दबाव में आकर ये खड़क जैसा बन चुका है। ये है डिनोनिक्स। 3 मीटर की लंबाई वाले ये प्राणी गुजरात में कच्छ जिले से पाए गए हैं। ये डायनासोर तेजी से दौड़ने वाला चालाक बुद्धिशाली शिकारी प्राणी था। ये डायनासोर अपने लंबे और तीक्ष्ण नाखून से पहचाने जाते थे। इलोंगेटू लिथिड के अंडे। ये नेस्ट अंडों का घोंसला थेरोपोड एबेलिसोरिड का माना जाता है। ऐसे घोंसले बहुत कम मिलते हैं। ये मिलना एक अद्भुत बात है और बेहद खुशी की बात तो ये है कि ये गुजरात के खेड़ा जिले के लवारिया मुवाड़ा से पाए गए हैं। इसी तरह की स्थिति में अंडे मंगोलिया और चीन के क्रिटेशियस खड़कों में देखने को मिलते हैं। खड़कों में दबे इस अंडे की सफेद परत इसमें साफ साफ दिखाई दे रही है। पंचमहाल जिले के दाहोद से 1989 में इस तरह के डायनासोर के अंडे और उसके घोंसले अधिक मात्रा में मिले हैं। फ्रांस से मिलने वाले अंडों के घोंसले से ये काफी मिलते जुलते हैं। इसी आधार से इसको टिटोनोसोरिड के मेगालोलिथिड वंश के माने जाते हैं। बालासिनोर में से विश्व में से सबसे ज्यादा अंडे और उसके घोंसले मिले हैं। गुजरात के हिम्मतनगर के रेत खड़कों में से पाए गए ये वनस्पति अवशेष है जो प्रारंभिक क्रिटेशियस काल के है। कहा जाता है कि अर्थक्वेक, ज्वालामुखी प्रस्फुटन, उल्कापतन जैसे कारणों से डायनासोर खत्म हो गए और उनमें से कुछ सुरक्षित जमीन में दब गए जिसे आज हम जीवाश्मी के रूप में देखते हैं। अब बात करते हैं डायनासोर प्राणियों की हड्डियों के बारे में। ये लंबी सी हड्डी जो आपको दिखाई दे रही है वो सोरोपोड टिटेनोसोरिड की है। सोरोपोड टिटेनोसोरिड वे महाकाय तृणभक्षी डायनासोर थे जो बड़ी संख्या में डायनासोर काल में पाए गए थे। अगर इस पत्थर में आपको डायनासोर की हड्डियां कहाँ पे है ये पूछा जाए तो आप अच्छी तरह से खड़क में से हड्डियों को पहचान सकेंगे। गुजरात के खेड़ा जिले के बालासिनोर के नजदीक रैयोली में ऐसे अधिक मात्रा में डायनासोर की हड्डियां पाई गई है जिसमें से सेरोपोड, टिटेनोसोरिड, थेरोपोड सभी प्राणियों की हड्डियां मिश्रित अवस्था में देखी गई है। ये है रेमफोर्निक्स जो अंतिम जुरासिक काल में पाए गए थे। इस पक्षी की पूंछ लंबी और चोंच तीक्ष्ण थी। ये मांस भक्षी प्राणी मछलियां खाते थे। ये सारे डायनासोर के स्टेच्यू एक खुले जंगल में स्थित हो उस तरह से रखे गए थे, पर लोगों ने इस पर चढ़कर फोटो खींचना शुरू किया। इस वजह से इसके चारों ओर रेलिंग लगाई गई। सभी डायनासोर में से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मांसभक्षी प्राणी था। 13 मीटर की ऊंचाई और 5 से 7 टन का वजन था। सबसे शक्तिशाली, बड़ा और सबसे भयंकर मांसभक्षी प्राणी जिससे उस समय के समकालीन सारे डायनासोर्स इससे डरते थे। सबसे खतरनाक और अत्याचारी डायनासोर यानी टायरानोसोरस रेक्स, जिस पर एक 3D मूवी भी बन चुकी है, टी रेक्स। इस डायनासोर के अवशेष बालासिनोर में से पाए गए हैं। ये है शांति प्रिय तृणभक्षी डायनासोर यानी इगुआना डॉन। ये है ट्राइसिरेटॉप्स जो त्रिशृंगी चेहरे से जाना जाता है। ये प्राणी झुंड में रहने वाला और तृणाहारी प्राणी था। ये इतना धीरे चलने वाला प्राणी था कि टायरानोसोरस रेक्स इनका शिकार कर लेते थे। और अगर आप अपना घर का खाना साथ में लाए हो तो बंदरों से बचा कर रखना।
इंद्रोडा पार्क में एक बंदर ही है जो आपको खुले घूमते दिखेंगे। इंद्रोडा के फर्स्ट एपिसोड में डायनासोर एंड फॉसिल पार्क देखने के बाद सेकंड एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आउजो, बाय बाय।